आजमगढ़ जिले के सरदार बाजार में डबल मर्डर का मामला। आजाद समाज पार्टी ने मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। 20 सितंबर को दिन दहाड़े कपड़े के व्यवसायी पिता पुत्र की हौसला बुलंद बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी न होने से नाराज आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को एसपी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने बताया कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर अभियुक्तों द्वारा मंदिर की जमीन पर जो कब्जा किया गया था उसे बुलडोजर से गिराया गया, साथ ही अभियुक्त के माँ बाप को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी मुख्य अभियुक्त पुलिस की पकड़ से दूर है। लिहाजा ज्ञापन सौंप मांग किया गया कि मुख्य अभियुक्त की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, साथ ही अन्य मामलों में जैसे अपराधियों के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलता है इस मामले में भी बुलडोजर चलना चाहिए। आजाद समाज पार्टी ने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, आजाद समाज पार्टी कांसीराम जिला प्रभारी आजमगढ़। आज यहाँ हम कप्तान साहब के आए थे, सरदाह मार्केट में जो हत्या हुई थी बाप बेटे की, और इस मामले हमने ज्ञापन दिया है कप्तान महोदय को कि वहाँ जल्द से जल्द जो अपराधी है गिरफ्तार किया जाए। और पूरे परिवार में दहशत मची हुई है और उस दहशत में पूरे परिवार कहीं भी निकलता है उसके लिए सिक्योरिटी प्रदान की जाए। कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है अभियुक्तों की और कार्रवाई भी हुई है बुलडोजर की? दो लोगों की कार्रवाई हुई है, वो माता थी अपराधी की और पिता, और जो मेन अपराधी है हत्या करने वाले वो उनका गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। और जो बुलडोजर की बात आप कर रहे हैं, इन्होंने वो दबंग किस्म का आदमी है, अपराधी किस्म का आदमी है, मंदिर की ज़मीन को कब्जा किया था, उस कब्जे को गिरवाया गया, ढहा गया, ना कि उसका मकान ढहा गया है। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि संवैधानिक तरीके से अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, और गिरफ्तार होने के बाद उनका जिस तरह से आम लोगों को, ये जैसे हिंदू मुस्लिम का मामला है, ये जब भी आम चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम करके हत्या होती है और जाति धर्म के नाम पे शोषण लोगों का होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये तो मंदिर की ज़मीन कब्जा किया था, जिस तरह से और लोगों का घर ढहा जाता है, बुलडोजर से गिराती है सरकार, उस तरह से उसको गिरवाए और ये जंगल राज जो है संवैधानिक तरीके से न्याय दिलाए, जंगल राज को ख़त्म करे भारत देश से और उत्तर प्रदेश से। आज आप लोग आए हैं अपनी मांगों को लेकर? मैं रमेश कुमार, जिला पंचायत सदस्य रासेपुर, आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष आजमगढ़। क्या मांगे आपने? हमारी देखिए मांगे हैं कि जो सरदार बाजार में जो मुस्लिम समाज की हत्या हुई है, उस हत्या के प्रति हम तो बहुत संवेदनशील व्यक्त करना चाहते हैं, दुख प्रकट करना चाहते हैं और मांग करते हैं राज्य सरकार से कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी और जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हो उतना सख्त से कार्रवाई किया जाए। मुआवजा तो मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, जो अपराधी हैं पहले उनके ऊपर जो अन्य अपराधियों के तरह जो बुलडोजर चल रहा है उस तरह भी उनके ऊपर बुलडोजर के घर के ऊपर चलना चाहिए। मैं अमीर चंद यादव, जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी कांसीराम आजमगढ़। जिस तरह से एक पिता पुत्र की हत्या कर दी गई और प्रशासन ने उस पर कार्रवाई भी की है बुलडोजर चला के, कितना संतुष्ट है आप लोग? एकदम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। प्रशासन ने जो कार्रवाई किया है वो दिखाने मात्र है, और वो जो जहाँ बुलडोजर चला है वो तो उसके घर पर नहीं चला, वो तो मंदिर के सामने उसने एक स्टॉल जैसा बनाया था उसको गिराया गया है। बाकी वो लोग एकदम सुरक्षित तरह एक तरह से हैं, उनको कोई न खोजा जा रहा न कुछ किया जा रहा, पीड़ित परिवार के साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा है। सरकार से मांग यह है कि उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा, डबल मर्डर हुआ है और मर्डर के का जो कानून 302 का है देश के संवैधानिक हिसाब से उनको सजा होनी चाहिए, और जो पीड़ित परिवार है उनको सुरक्षा मिले। बेचारे दहशत में हैं, वहाँ पर जाने के बाद जो दो भाई जिंदा हैं वो डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा, वो लोग धमकी दे रहे हैं कि हम तुमको भी मार डालेंगे। तो प्रशासन और शासन से ये आप लोगों के माध्यम से गुजारिश है, निवेदन है कि उनको तत्काल गिरफ्तार कर उनको सजा दिया।